family members, and I'm joined by Neeraj Bablu, BJP MLA, who is his elder brother. He is flying to Mumbai along with his family for the last rites. And I'm joined by Neeraj Bablu. Neeraj ji, काफ़ी गहरा सदमा है ये हम सब के लिए, आपके परिवार के लिए, खासकर आपसे काफ़ी करीब थे सुशांत राजपूत. तो कब आखिरी बार बात हुई थी आपकी और उनके पिताजी से? कुछ बताएंगे उनके बारे में, क्या वो सोच रहे थे? देखिए, दो तीन महीना पहले हमसे बात हुई थी. कुछ ऐसा कभी महसूस भी नहीं हम लोगों को हुआ कि ऐसा स्टेप ले सकता है या इस तरह का हम लोगों को दिन देखना पड़ेगा. ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी दिन देखना पड़ेगा, इतना बड़ा घटना हो जाएगी. कभी लाइफ में नहीं सोचा. इतना हौसला वाला लड़का, दूसरे को हौसला देने वाला, दूसरे को प्रोत्साहित करने वाला, सबों को मदद करने वाला, जब भी आता था तो गाँव में हो, शहर में हो, जहाँ भी हो, सबसे मिलना, सबको प्रोत्साहित करना, जिंदा दिल इंसान. अभी तो ज़िंदगी शुरू भी नहीं किया था और उसने ज़िंदगी ख़त्म कर ली. तो हम लोग तो हतप्रभ है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन सी ऐसी बात आ गई कि इस तरह का स्टेप उठाया गया, या क्या सच्चाई है. अब वहाँ जाने के बाद कुछ पता चल पाएगा हम लोगों को. इंस्टाग्राम पोस्ट देखा हमने और ऑब्जर्व किया, मुंबई में काफ़ी लोगों से बात भी किया, उनके फिल्म जगत के लोगों से. वो एक तरीके से अध्यात्म की ओर अग्रसर थे और जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट था वो काफ़ी दूसरे तरीके था, जैसे लग रहा था कि अवश्य संभावित है ये. तो कभी इस तरह का उन्होंने मनसा जाहिर नहीं किया? नहीं, कभी इस तरह का कभी नहीं ऐसा महसूस हुआ था. लेकिन जब इस बार अभी आया था तो केदारनाथ फिल्म जो बना था उसका, तो केदारनाथ पे बड़ा अच्छा बात करते रहता था कि ऐसा है, वैसा है, चलना चाहिए, बार बार जाना चाहिए, सब आदमी चलो एक बार फिर चलते हैं. बहुत वहाँ जा के सुकून महसूस होता है. थोड़ा सा अध्यात्म से बहुत ज़्यादा इधर लगाव होते जा रहा था. वहाँ का सीन शूटिंग के बारे में बताना कि कैसे केदारनाथ में कितना उसको अच्छा अलग फील हुआ. फिर गांव भी आया तो जो ग्राम देवता हमारे यहाँ स्थान है, सबसे पहले शिव मंदिर है, वहाँ गया, वहाँ अच्छे से पूजा किया बैठ के ध्यान करके, और फिर हम लोग वहाँ से निकले. फिर ननिहाल में भी पूजा किया. तो थोड़ा सा अध्यात्म से ज़्यादा जुड़ाव बढ़ते जा रहा था, इसमें कोई संदेह नहीं कि अध्यात्म की ओर थोड़ा सा बढ़ते जा रहा था. और ये चेंजिंग मुझे लगता है कि केदारनाथ फिल्म जो आया था उसके बाद से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ते गया था उसका. जो आपको लगता है कि जुझारूपन शुरू से था, क्योंकि पटना जैसे छोटे शहर से बॉलीवुड में जाके बड़ा नाम कमाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, तो कुछ खास बातें आप बताना चाहेंगे कैसे उसने मेहनत की, कैसे ये सब अर्जित किया? शुरू से वो लगनशील था, जिस काम में लगता था उसको करने का एकदम प्रयास करते रहता था कि ये काम हमसे हो जाए. पढ़ाई लिखाई भी मैं अच्छा था, इंजीनियरिंग दिल्ली में कर रहा था, मेरे शादी में भी आया था. तो पूरा जो होता है एक बच्चों का उछल कूद मचाना, बहुत मैंने काफ़ी उत्साहित रहता था. और पिछले साल जब आया था तो उसमें भी काफ़ी इतना उत्साहित था कि मेरे घर पर मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया सुबह सुबह. मैं समझता हूँ कि 3-3.5 घंटे तक क्रिकेट कंटिन्यू खेलते रहा. देखा प्लास्टिक की कुर्सी, हाँ, प्लास्टिक कुर्सी लगा के हम लोग बैठे हुए ऐसे ही कैंपस में क्रिकेट खेल रहा था. जितने मोहल्ले के बच्चे आए सब बॉलिंग कर रहा था. मोहल्ले के चारों तरफ वो ड्यूज बॉल चला गया था. घर के आसपास सब लोग चारों तरफ घर से देख रहे थे, अरे सुशांत सिंह क्रिकेट खेल रहा. इतना उत्साहित, सबके साथ मिलकर सबके साथ खेल रहा था, सबसे बॉलिंग करा रहा था और सबको एक तरह से अपना टिप्स दे रहा था कि उत्साहित रहो, खेलो, आगे बढ़ो. इतना अच्छा क्रिकेट, जो भी काम करता था काफ़ी उत्साहित होकर करता था. हम लोग कभी सोच नहीं सकते हैं कि ये भी दिन देखना पड़ेगा और इस तरह का हम लोगों को सामना करना पड़ेगा इतनी कम एज में, जब जिंदगी शुरू भी नहीं किया और जिंदगी खत्म कर लिया. नहीं, मैं समझ सकता हूं आपकी भावनाएं. तो कुछ और इच्छा जो थी उनकी, जैसा कि हम सुन रहे थे कि बच्चों को नासा भेजना चाह रहे थे वो. अभी शेयर कर रहा, पिछले साल आया था उसमें शेयर कर रहा था हमसे कि 100 बच्चों को हम लोग नासा भेजने का प्लान किए. नासा से बड़ा उसका लगाव था, खुद भी स्पेस में जाने का उसका भी चल रहा था. कोई ऐसा फिल्म था जिसमें उसको स्पेस में जाना था, इस सब तरह का ज़्यादा बात करता था. और 100 गरीब बच्चों को नासा भेजने का उसका प्लान था कि उसके लिए प्रधानमंत्री जी से भी टाइम का उल्लेख कर रहा था. हमने उसको बोला भी यार वहाँ भेजोगे तो हमारे यहाँ से भेजना, मेरे क्षेत्र का लड़कों को भेज देना कुछ. बोला एकदम भैया आप नाम भेज देना, जब हम भेजने लगेंगे तो उन बच्चों को उठा के भेजेंगे. हम लोग कुछ करना चाहते हैं गरीब बच्चों के लिए, अपने गांव, देश, राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं. ये भी उसको मैंने हौसला था कि तो फिल्म जगत है ही, इसके अलावा भी समाज में भी बहुत कुछ करने का इच्छा रखता था.